कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, सही वक्त आएगा इस चीजों पे भी हम बात करेंगे, लेट्स फोकस ऑन अ करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं, तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने FIR में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं, FIR का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीजान का जो अरेस्ट है इलीगल है, पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्रामा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सर। लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है सर। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी सुजान की लाइफ में और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी, तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कोई कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में, उनकी माँ के पास कोई भी नहीं है? देखिए उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है, जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे किसी का मर्ड फ्लिंजिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक एक। मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत। छुपाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है, गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। डेढ़ घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले डेढ़ घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान की। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा CDR साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव्ट करेगी, ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई इस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया, सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या सीजान का? कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं लड़की का बयान कैसे लिया गया, फिर कहां से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का CDR निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल बिल्कुल है सर। रायल अभी की एक रायल अभी नाम की लड़की है जिसने यू नो ऑन कैमरा बोला है कि शीजान की अलग अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है इसके बारे में? कौन है, क्या है, कहाँ से आई? हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। तुनिशा के मुंह से या तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या वो फॉलो करती है उसको? क्या वो उसको फॉलो करती है? 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। फलक से एक सवाल है, फलक जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से सब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी बात साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे, ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज इधर इधर आइए। यही किया था उनकी मदर के, अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, हम उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हो।
तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने टुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं टुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ, ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने टुनिशा के घर से टुनिशा की पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है, उसका वहां पर रिप्लाई आया आप ही आप घर पे हो, मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना, आई सेड मैं मिलके बताऊंगी। लेकिन जिस तरह से टुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसके जो उसने जो सुसाइड किया उसका कारण डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माता जी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज टुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। But ma'am, excuse me.